हेलो फ्रेंड्स, वन जंक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं नरेंद्र आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और एक खास खबर जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के वर्सटाइल एक्टर यानी कि सुपरस्टार अजय देवगन से। तो दोस्तों, इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर केवल एक फिल्म का जलवा चल रहा है, तो वो फिल्म है तानाजी द अनसंग वॉरियर। यानी कि ये फिल्म एक वॉरियर की तरह इतने सारे रिकॉर्ड बनाते जा रही है, जिसको देखने के बाद तो भैया हर कोई बोल रहा भैया कि आने वाला टाइम जो है यानी कि 2020 जो है वो अजय देवगन के नाम रहेगा। यानी कि इस साल उनकी और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में आने वाली हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही दोस्तों मैंने एक रिकॉर्ड आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भैया मुंबई में इस फिल्म ने इतना कलेक्शन कर लिया कि चार बड़ी बड़ी हिट फिल्मों को पीछे कर लिया। तो भैया ये फिल्में कौन सी थी? तो भैया मैंने आपको बताया था नाम कि बजरंगी भाईजान, सिम्बा, कबीर सिंह और गोलमाल। तो आपने इस मेरे न्यूज को सुनने के बाद यही सोचा होगा कि क्या अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई है तानाजी मुंबई के सर्किट में? तो भैया ऐसा नहीं है। यानी कि तानाजी को नंबर वन बनने के लिए अभी भी पांच फिल्मों को पीछे करना है। यानी कि इस फिल्म से पांच फिल्में आगे हैं जिन्होंने मुंबई के सर्किट में जबरदस्त कलेक्शन किया है। तो वो फिल्में कौन सी हैं? तो भैया इस लिस्ट में जो नंबर वन पे फिल्म है वो है भैया बाहुबली, यानी कि प्रभास की सुपर डुपर हिट फिल्म बाहुबली द कंक्लूजन। इस फिल्म ने जो मुंबई के सर्किट में कलेक्शन किया था वो था 185 करोड़ 80 लाख रुपए। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो फिल्म है वो है भैया आमिर खान के सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि दंगल। दंगल ने जो मुंबई के सर्किट में कलेक्शन किया था वो था 104 करोड़ 50 लाख रुपए। उसके बाद में तीसरे नंबर पे जो फिल्म है वो है पीके, यानी कि आमिर खान की ही ये फिल्म है और इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था तो वो था 104 करोड़ 30 लाख रुपए। यानी कि मुंबई के सर्किट में दो बार आमिर खान ने सेंचुरी लगाया है। उसके बाद जो चौथे नंबर पे जो फिल्म है भैया वो है बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान की सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि टाइगर जिंदा है। तो भैया इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था मुंबई के तो वो था 103 करोड़ 50 लाख रुपए। और लास्ट में जो फिल्म है वो है संजू, यानी कि भैया इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था वो था 102 करोड़। अब तानाजी के सामने में जो पांच लक्ष्य हैं मैंने आपको बता दिया और आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा कि आपको क्या लगता है कि तानाजी सेकंड पोजीशन की फिल्म बन सकती है क्या दंगल के कलेक्शन को बॉक्स ऑफिस पर पछाड़ कर। यानी कि महाराष्ट्र में तो भैया अब ये फिल्म जो है वो टैक्स फ्री हो गई है, क्या इसका बेनिफिट मिलेगा अजय देवगन को और क्या उसके माध्यम से अजय देवगन बाकी की चार फिल्मों को यानी कि संजू, पीके, टाइगर जिंदा है और दंगल के कलेक्शन को तोड़ते हुए नंबर टू के पोजीशन पे पहुंच सकते हैं? क्योंकि भैया बाहुबली का जो कलेक्शन है वो बहुत बड़ा है, वो तोड़ देते हैं भैया तो ये मिरेकल होगा किसके लिए? तो अजय देवगन के लिए। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है अजय देवगन इन पांचों फिल्मों में से किसका किसका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारंट जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।